हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 5 नवंबर। क्या है आज के हाइलाइट्स, क्या है नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट न्यूज जो आने वाले एग्जाम्स में आपको उम्मीद कर सकते हैं कि पूछे जाएंगे उनसे क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है, ट्रेंडिंग क्या है, ये सारे एक साथ आपको कलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं क्या क्या इधर एशियन गेम्स में भी बहुत सारा धमाका हुआ है, और भी कई न्यूज है। और ये अनु रानी को बिल्कुल याद रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है और कि ट्रेंड के हिसाब से इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये अनदर नीरज चोपड़ा है, लेडी नीरज चोपड़ा, और साथ में एमएस धोनी भी अभी तुरंत न्यूज में आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या न्यूज है आपके लिए। पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, हु वॉज इलेक्टेड एज द WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। और राइट आंसर है इसका, ये एक देश की बहुत बड़ी नेता की ये डॉटर है। और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, साइमा वाजेद। और देखते हैं कौन है ये साइमा वाजेद, द डॉटर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वन द इलेक्शन फॉर द WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया। अगला पॉइंट यहां पर आ रहा है आपको, विच स्टेट इन इंडिया हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड एन ई कैबिनेट सिस्टम। तो रिसेंटली, पहले से ऑलरेडी 3 स्टेट थे, बट रिसेंटली एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर ई कैबिनेट सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। यानी यहां पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर आ रहा है ये देखिए, सी ऑप्शन, दैट इज त्रिपुरा। ये देखिए यहां पर आ त्रिपुरा। ओके, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, तो यहां से आप याद कर लें कौन कौन सा है। चलिए और आगे इसके हम टेक अवेज देखते हैं। त्रिपुरा हैज बिकम द 4th state इन इंडिया टू इंप्लीमेंट एन ई कैबिनेट सिस्टम आफ्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों ऑप्शन थे ऑलरेडी, अब ये 4th state बन गया है त्रिपुरा। द ई कैबिनेट सिस्टम इज अ पेपरलेस सिस्टम फॉर कंडक्टिंग कैबिनेट मीटिंग्स। इट यूजेस डिजिटल टैबलेट्स एंड सॉफ्टवेयर टू डिस्ट्रीब्यूट कैबिनेट पेपर्स। द सिस्टम इज डिजाइन टू इम्प्रूव एफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। त्रिपुरा के बारे में कुछ और जान लें, इसका कैपिटल है अगरतला, यहाँ के सीएम है बिप्लब देव, ये रहे। 3rd smallest state है, सबसे छोटा स्टेट है हमारे देश में गोवा, उससे बड़ा है सिक्किम और उससे बड़ा है त्रिपुरा। और साइज वाइज कहें तो 3rd smallest size है इसका। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स को जरूर याद कर लें। ये त्रिपुरा है, ये देखिए ग्रीन, ये आसाम हो गया, इधर मिजोरम हो गया, और इस तरफ में बांग्लादेश, राइट। यहाँ पे लैंग्वेज में इस पर क्वेश्चन कई बार देखा गया है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो याद रखिएगा काक बराक। ये एक्चुअली बांग्ला और मणिपुरी का एक मिक्स एक लैंग्वेज है काक बराक। यहाँ पर ये क्वीन पाइनएप्पल होता है, और यहाँ पर बहुत ही फेमस एक जगह है। अब ये जो मूर्तियां कहाँ से, इनको क्या बोला जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। जबरदस्त है ये, बहुत बड़े साइज की ये मूर्तियां हैं, हजारों हजार की संख्या में। इनका नाम क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में उम्मीद करता हूँ कि आप हमें जरूर बताएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसके आगे का अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्विज क्या आ रहा है। हु वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 फॉर हिज और हर डेब्यू बुक। इनका ये डेब्यू बुक है, इनको ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। और इनके बुक का पूरा नाम है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ऑरिजिन ऑफ एम्पायर। तो इसके राइटर कौन है, ये रहा बुक और ये रही राइटर, और इन्हीं को प्राइज मिला है। डी ऑप्शन ये है नंदिनी दास। तो यहाँ पर हम इसके टेकअवेज देखते हैं, इंडिया बॉर्न ऑथर नंदिनी दास वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइस, इट्स नॉट बुकर प्राइस, याद रखिएगा, बुक प्राइस फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 फॉर हर डेब्यू बुक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। दिस रिमार्केबल वर्क हेल्ड एज द ट्रू ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्रिटेन एंड इंडिया टोल्ड थ्रू इंग्लैंड्स फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन टू द मुगल कोर्ट्स सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट दिस ईयर एज अ सेरेमनी हेल्ड इन द ब्रिटिश अकेडमी इन लंडन।
तो याद रखिएगा, इसके राइटर है नंदिनी दास, बुक का भी नाम आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब अगला पॉइंट आने से पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आपके लिए रोज हम लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स का सीरीज, अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और इसमें पूरा वर्ल्ड, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स और जो ट्रेंडिंग है सारे न्यूज आपके लिए मिल जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कलेक्शन आपको मिलता है। तो आइए चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इन विच स्टेट डिड नीति आयोग ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन वेमेन लेड डेवलपमेंट। तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया इस चीज के लिए कि वेमेन लेड डेवलपमेंट कैसे किया जाए वहां पर, तो ये कहाँ हुआ, किस स्टेट में हुआ, और जी हाँ फिर आ गया एक नाम यहाँ गोवा का। गोवा जो सबसे छोटा स्टेट है हमारे देश का, यहीं पर ये ऑर्गेनाइज किया गया, और ये टेक अवेज रहा। नीति आयोग ऑर्गेनाइज द फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन वेमेन लेड डेवलपमेंट इन गोवा। द वर्कशॉप वॉज हेल्ड विद अ फोकस ऑन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। द वर्कशॉप एम्ड टू डिस्कस वेज टू प्रमोट वेमेन लेड एंटरप्रीनियोरशिप एंड डेवलपमेंट इन गोवा। गोवा के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। गोवा इसका कैपिटल है पणजी, सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत, एडजॉइनिंग स्टेट, देखिए गोवा यहाँ छोटा सा ग्रीन सा ही है ना, ये गोवा, एडजॉइनिंग स्टेट्स में देख लीजिए, ये कर्नाटका, इधर महाराष्ट्र है, इन दोनों के बीच में ये गोवा एक स्टेट है, राइट। इस तरफ में अरेबियन सी है, ये स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, और पुर्तगालियों का यहाँ पर राज था अप टिल 1961, यानी 1947 में आपको आजादी मिली हमारे देश को, और 61 तक इस जगह पे पुर्तगालियों का राज था। कहाँ पुर्तगाल, कहाँ ये छोटा सा स्टेट, कितने स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ जमे हुए थे। चलिए यहाँ और देखते हैं। गोवा इज इंडिया रिचेस्ट स्टेट विद अ जीडीपी पर कैपिटा 2.5 times दैट ऑफ द कंट्री एज अ होल। यहाँ के जीआई टैग है फेनी, जो कि काजू से ये एक लीकर बनाई जाती है, काजू का जो कवर होता है उससे ये बनाया जाता है उसको फर्मेंट करके। यहाँ का और भी कई चीजें हैं, 25 दिसंबर के आसपास जाएंगे तो यहाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, इस सेलिब्रेशन का भी नाम क्या है आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहा हूँ। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट। और यहाँ चार ऑप्शन है और सारे क्रिकेटर हैं, इसमें से एक क्रिकेटर को जियो मार्ट ने अपना एम्बेसडर बनाया है, वो जो पूजा सेलिब्रेशन है इस टाइम में बहुत सारे चीज सेल करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है, आंसर इसका ए, MS धोनी। और टेक अवेज देखते हैं, रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट हैज रोप्ड इन इंडियन क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर एड ऑफ देयर फेस्टिव कैंपेन। और फेस्टिवल का आपको अंदाजा भी लग रहा होगा क्योंकि जितनी देर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाहर बहुत पटाखे छूट रहे हैं जिसकी आवाजें भी आपको आ रही होंगी। ये रहे MS धोनी, एकदम नए लुक्स में क्या कमाल मचा रखा है, ये लुक्स का भी काफी चर्चा हो रहा है, और MS धोनी फॉर रिलायंस। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, हु इज द इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हु हैज बीन अवार्डेड द डच स्पिनोजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। तो इनको एक अवार्ड मिला है स्पिनोजा प्राइज, और डच गवर्नमेंट ने इनको दिया है फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। और चार ऑप्शन है यहाँ पे, और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, ज्योइता गुप्ता, ये रही ज्योइता गुप्ता। और टेक अवे देख लेते हैं यहाँ, डॉक्टर ज्योइता गुप्ता इज एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस डच स्पिनोजा प्राइज फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। द स्पिनोजा प्राइज इज द हाइएस्ट साइंटिफिक अवार्ड इन नीदरलैंड्स। इट इज अवार्डेड एनुअली टू टू और थ्री रिसर्चर्स हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड। अब हम पहुंच गए अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट पे, और यहाँ पर थोड़ा रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको। नोबेल प्राइज रिसेंटली अनाउंस हुआ लिटरेचर के लिए मिला जॉन फोसे को, नोबेल पीस प्राइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की है। एक थर्ड पॉइंट है, इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनॉग्रेट द हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश। द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट कौन है, तो ये है हमारा देश भारत। वेयर इज द 20th एशियन इंडिया समिट बींग ऑर्गेनाइज, और ये ऑर्गेनाइज हुआ है जकार्ता में,
20वां एशियान इंडिया समिट जकार्ता में हुआ, और उसके बाद एक सिक्स पॉइंट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट 2023, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स में ये पूछने जाने के बहुत चांसेस हैं। अगला पॉइंट है ड्रोन शक्ति 2023, या कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया का ड्रोन शक्ति 2023, और ये यूपी के गाजियाबाद में। इंडियन ओरिजिन हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर के जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इनका नाम है थर्मन सनमुगम रत्नम। आज मैंने पढ़ लिया इसको, थर्मन सनमुगा रत्नम। और यहाँ नाइन्थ पॉइंट है, द नेशनल गेम्स वेन्यू 2023, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है 2023 का नेशनल गेम्स, और ये हुआ है गोवा में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ पर हुआ, और ये हुआ चेन्नई में। तो ये थे सारे कलेक्शन, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जबरदस्त हेल्प करेंगे ऐसा हम बहुत उम्मीद करते हैं। और चलिए, आज का ये पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।